हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। खुद पर भरोसा रखो। किसी भी नए काम की शुरुआत करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिले, इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती है। लेकिन वो काम ही नहीं हो सकता, लेकिन वो काम हो ही नहीं सकता ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नए चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम खुद से ज़्यादा अपने किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचते और समझते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक ही होगा और हमें सफलता भी मिलेगी। अक्सर किस्मत पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग अपने काम में असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने के बाद भी आपको ये एहसास दिलाता रहे कि ये हो सकता है और मैं इसे करके ही रहूँगा। खुद पर इतना भरोसा करना कोई आसान काम नहीं है। आज हम आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताएंगे कि हमें खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और साथ ही साथ उस काम पर भी जिसे हम कर रहे हैं। खुद पर भरोसा की ये कहानी आपको सिखलाएगी कि किस तरह भरोसा हमें सफलता दिला सकता है। सफल भरोसा या फिर विश्वास जब तक खुद पर नहीं होता तब तक कोई भी काम आसान नहीं होता। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। खुद पर अलग विश्वास ना हो तो तब भी हम सफल नहीं हो सकते। एक बार सर्कस में एक आदमी दो बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी में चलने का खेल दिखा रहा था। वहां बैठे सभी लोग काफी तारीफ कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ते गया उस व्यक्ति की रस्सी की ऊंचाई भी बढ़ती गई। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी खेल दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस खेल को देखकर सभी लोग टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि इस बार अगर उसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या होगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग बड़ी ही शांति के साथ उस खेल को देख रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे रस्सी में आगे की ओर बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी भी पूरी कर ली। जैसे ही उसका खेल खत्म हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार के साथ फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके खेल की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने आकर बोला, क्या आप लोगों को भरोसा है कि मैं यह रोल दोबारा भी कर सकता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर से पूछा कि क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। वो लोग फिर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तो इस बात पर शर्त भी लगाने को तैयार हैं कि तुम ये खेल सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, पूरा भरोसा है। लोग फिर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ हाँ हमें पूरा भरोसा है। फिर कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर इतना भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर ये खेल फिर से दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई, लाखों में खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप लोगों के चेहरे पर इतनी खामोशी क्यों है। अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये खेल फिर से दिखला सकता हूँ।
असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूँगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं भी कर लूँगा। ऐसा कहकर वो कलाकार अपने बच्चे को कंधे पर बिठाया और फिर से उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो खेल करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आकर बोला, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये खेल अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूँ। इसी कारण की वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि हम भी कर लेंगे। जब तक हमें अपने आप पर 100% भरोसा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो बिना लड़े ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखिए, उसकी पूरी प्रैक्टिस करिए। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति भरोसा पड़ता है। जैसे यदि कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, तो पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करिए। जो लोग पहले से वो बिजनेस कर रहे हैं या उसके जैसा ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे बात करें। हो सके तो पहले खुद उस काम को सीखिए। ऐसा करने से आप उस काम की बारीकी तक पहुंच जाएंगे। ये सब करने के बाद जब आप खुद का काम शुरू करेंगे, तो आपको अपने आप पर पूरा विश्वास होगा कि आप फेल नहीं होंगे, और ऐसा करने से आप बिना ज़्यादा मुसीबतों से जल्दी सफल हो जाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।